रहे थे, मेरी पूरी बात तो सुनो यार, सीरियसली थी, कमाल है यार। श्रुति एकदम चुप हो जा, तू मुझे बहुत इरिटेट करी, मैंने तेरे को थप्पड़ मार देना, मेरे पास बहुत काम है करने के लिए। इसे होना दे यार, कमाल है, मैंने इतनी मेहनत की अपने सपने में और आपको तो कोई दिलचस्पी ही नहीं है उसे सुनने में यार, सीरियसली। अरे आपको आइडिया भी नहीं है इस कमरे को क्या डेकोरेट किया था मैंने, क्यों रोमांटिक माहौल बना दिया था, रोमांटिक। अरे लेकिन क्यों, तूने सपने में कमरे को क्यों सजाया? अरे क्यों का मतलब क्या दादू, मेरे सपने में करण सर आए थे सीता दी से मिलने, और आपको पता है मैंने ना इन दोनों के लिए तुम और हम और ये समा वाला माहौल बना लिया था। चुप हो जा, कुछ भी बोलती रहती है, इसकी बातें ना बिल्कुल फुल ऑफ नॉनसेंस होती है दादी, नॉनसेंस। एक मिनट, आपको अगर नहीं सुनना है तो मत सुनो, लेकिन हाँ जो भी मेरे सपने में हुआ मेरी बंद आंखों के सामने हुआ तो मुझे याद है क्या क्या हुआ था। हाँ दादी इसको देखो, बड़ी बदतमीज लड़की है, सपने में देख रही है मुझे और करण को कमरे में, बदतमीज कहीं की। चुप कर जा, मैं इसकी बातें सुनी क्यों रही हूँ, अपना काम करती हूँ। रीता उसकी बातों पे ध्यान दे ही क्यों रही है? हाँ अरे वैलेंटाइन डे है इसलिए इसने सपने में तुझे और करण को देख लिया, वैसे भी ना इसकी बातें ऐसी होती है, इस कान से सुनो और इस कान से बाहर निकाल। वैसे झल्ली तेरे लिए समीर का फोन आया था। समीर का फोन आया था? क्या बात है दादी, वैलेंटाइंस डे है और समीर का फोन आया था सृष्टि के लिए। अब क्या क्या कह रहा था समीर? ये कह रहा था कि आपकी पोती जो है ना का दिमाग बिल्कुल खराब है, उसके भेजे में कुछ है ही नहीं, जो हिसाब किताब तूने उसको दिया है वो सब गलत है। ओली 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 ओली, देखो तेरा गुस्सा कितना नाक पे तो चूर से लग रहा है यार। मार डालूंगी तुम्हें। हाँ तो मार दो ना, शहीद हो जाएंगे लेकिन सच का साथ नहीं छोड़ेंगे। वो मैच में वीक तो हो, इसमें मेरी क्या गलती है? ये क्या था, वैसे तो खुद को बड़ा शेर नहीं समझती हो? अरे चीटी जैसी ताकत भी नहीं तुम में। हाँ, ये तो ऐसा लगा कि तो छोटे से नन्हे बच्चे ने से यूं थपकी मार के चला गया। अरे तो दमम लगाओ यार, क्या कर रही हो? Really? Yeah. Sorry, खाम का चैलेंज कर दिया ना? I'm sorry, बहुत जोर से लगा। कहाँ लगा? दिखो तो। उल्लू बनाया। सुख मारूंगी ना। ओ माय गॉड, आखिर हो क्या रहा है इस घर में? हद से आगे बढ़ रही है ये लड़की, आज तो मैं इसे आईना दिखा कर ही रहूंगी। नहीं, अभी डांटने से या धमकाने से कुछ असर नहीं होगा इस ढीठ लड़की पे, इसका तो कोई परमानेंट इलाज ढूंढना ही होगा मुझे।